बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी सासू माँ के हाथ का अंडे का हलवा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही टॉनिक वाला होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। तो हमारी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं हलवा, और इसमें उन्होंने सूजी भी ऐड की है। तो सूजी के साथ बनाया हुआ हलवा बहुत अच्छा होता है, ना ही इसमें कोई स्मेल होती है अंडे की, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए 10 अंडे ले लिए हैं, और 10 अंडों को लेने के बाद उसको हम अच्छे से फोड़ लेंगे और सारे अंडों को फेंट लेंगे। तो यहाँ मम्मी ने 10 अंडे लिए हैं और उन्हें फेंट रही हैं। तो सारे अंडे अच्छे से फेंट लेना है हमें, और इसमें दूध और शक्कर भी लगेगी। तो आधा लीटर दूध लिया है इधर मम्मी ने, और इसमें अंडों को ऐड कर दिया है। जो अंडे का घोल है इसको दूध में ऐड करना है और मिक्स करते रहना है। 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें इसको। इधर है 250 ग्राम सूजी, तो इसमें हम सूजी भी लेंगे हलवे में। यहाँ पर पहले हमने दूध और जो अंडे का बैटर है उसके अंदर जो शक्कर ली है वो भी ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और इधर हमने लिया है जो रवा लिया है, उसको हम घी के साथ अच्छे से, रवे को हम घी के साथ अच्छे से सेकते रहेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। तो रवा हमारा अब अच्छे से सिक गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल कर फैलाना है हमें, ताकि ये भी गर्म है तो ये जले ना। और जो अंडे और शुगर और दूध का जो बैटर बनाया था हमने, उसको अब हम गैस पे रखेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये बर्तन थोड़ा छोटा है, तो हम इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए अब ये पक रहा है, इस तरीके से ये पकता रहेगा। हमें इसको अच्छे से पकाना है तब तक, जब तक कि ये थोड़ा सा सूख ना जाए। तो यहाँ पर हमने 10-15 मिनट के बाद घी ऐड किया है। 2 बड़ी चम्मच घी है, देसी घी। घी ऐड करने के बाद भी हमें अच्छे से पकाते रहना है इसे। इस बीच हम अपने जो भी ड्राई फ्रूट हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं डाल दें। यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं, और ये है इलायची पाउडर। इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसको आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, 1 घंटा करीब लग ही जाता है इसको पकाने में। तो देखिए अब ये थोड़ा सा सूख चुका है, जो इसका दूध था इसके अंदर वो थोड़ा सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, जो हमने पहले सूजी जो सेकी थी वो ऐड कर देंगे। तो सूजी को डालने के बाद भी हमें अच्छा देर तक इसे पकाना है, जब तक कि ये हलवे की शक्ल में ना आ जाए।
तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती अंडे की। जो लोग पसंद नहीं करते अंडे खाना, जिनको स्मेल आती है अंडों की, तो उन लोगों के लिए ये हलवा बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी आपको, बहुत ही लजीज बनेगा ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप अब मम्मी के हाथ की और कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो हम अब इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो थोड़े बादाम ने बचा लिए थे, वही बादामों के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।